वंशी वटस्थित कर्षण गोपी गोपी नाथ श्रीवस्तु नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तपो जयंती रे वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु कमांशि हे रूप दुर्गति जनक दयावलोक हे भट्टि सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुमंद मते दयांतरा तुलसी कानन यत्र यत्र पद्म बनाने च पुराण पठन यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री विदग्ध माधव नाटक चतुर्थ अंक जिसमें श्री प्रिया जी विभिन्न भाव दशाओं को प्राप्त करती हुई अंत में श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त कर रही हैं। श्री मधुमंगल की चंचलता से जब चंद्रावती का नाम बीच में आ गया तो श्री श्याम सुंदर तो कह रहे हैं कि मेरे अंग से कपूर की सुगंध आ रही है, परंतु श्री ललता जी और श्री विश्वानंदनी वे कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे अंग से चंद्रावती जी की सुगंध आ रही है। ये चंद्रावती के नाम में गड़बड़ पैदा करते हैं। चंद्रावती नाम में चंद्रावती के चंद्रावती शब्द के दो अर्थ होते हैं। चंद्रावती का एक अर्थ होता है कपूर और एक अर्थ होता है चंद्रावली जी। मधुमंगल ने चंद्रावली का नाम ले लिया। श्याम सुंदर ने उसे सुधारने का प्रयत्न किया, अपनी बात को छुपाने का प्रयत्न किया कि अंग में ये जो चंद्रावली है इस कपूर की गंध से मेरा अंग सुवासित हो रहा है। परंतु शिवप्रिया जी उनसे श्री ललता जी उनमें मान का आरोप करती हुई कह रही हैं कि राधे अद्याप संदिग्धासी तो क्या अभी भी संदेह कर रही है क्या? देख श्याम सुंदर के श्रीअंग में चंद्रावली जी से मिलने के जो चिन्ह हैं वो मिलन के चिन्ह श्रीअंग में दिख रहे हैं। ये निरूपण कराए थे 39वां श्लोक कि बाले गोकुल यौवत स्तंदती दत्तार्थ बेत्रा इता काम श्याम शिला विलास हृदय चेतक परावर्तयो। खबरदार इस श्याम सुंदर के साथ में चित्त लगाने की जरूरत ही नहीं है। अरे सखी हे राधे इन श्याम सुंदर से चेता परावर्तयो, अपने चित्त को जल्दी से लौटा ले। इन श्याम सुंदर में चित्त अटकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैसे हैं? बोले गोकुल यौवत स्तंतकी दत्तार्थ चंद्रा। गोकुल की जितनी भी नव किशोरी गण उन नव यौवत गणों के वक्षोजों के ऊपर अपने कटाक्ष का दर्शन करने वाले हैं, अपनी कंखियों से प्रियाओं की ब्रजों के कारण उनके कंचुकी का दर्शन करने में रुचि रखने वाले हैं। तार्थ नेत्रात के तहत ऐसे इन श्याम सुंदर से अपने चित्त को हटा ले। काम श्याम विलास हृदय, ये श्याम शिला विलास हृदय श्याम सुंदर का हृदय नहीं देख रही है, ये श्याम शिला के समान दिख रहा है। ये कहीं सोने को जैसे कुंदन के ऊपर उसके ऊपर घिसा जाता है, श्याम शिला के ऊपर जैसे घिसा जाता है, ऐसे श्री श्याम सुंदर का हृदय आज श्याम शिला के समान शोभित हो रहा है। उस हृदय से अपने चित्त को अलग कर ले। कसौटी के पत्थर के समान श्याम सुंदर का जो वक्षस्थल है उससे अपने चित्त को अलग हटा ले। बिंबत किम नहीं यद विकृष्य कुलजा केवी भी एष स्त्रियो। हम क्या ये नहीं जानती हैं कि ये श्री श्याम सुंदर अपनी विभिन्न केलियों के द्वारा विभिन्न
चटक मटक उसके द्वारा कुल में उत्पन्न होने वाली जो सकुल की स्त्रीगण है उनको भी विकृष्य बरबस आकर्षित करके धूर्त, ये धूर्त संकुलयन कलंकित तति उनको कलंक समूह से युक्त कर देता है। संकुलयन माने युक्त कर देता है, कलंक तति भी, कलंक की तति माने पद्धति, कलंक की पंक्तियों से युक्त कर देता है। निशंक मुंचति और फिर उन गोपकारों को विरह प्रदान करने के लिए निशंक उनका त्याग कर देता है, निशंक उन्मुंचति उन गोपियों को त्याग भी कर देता है। ऐसे धूर्ति के साथ में प्रीति करने की जरूरत नहीं है, अपने चित्त को हटा दे हटा दे। ऐसे श्री ललिता जी ने जहां श्री किशोर जी के हृदय में मान का आरोप किया, मान की स्थापना की श्री राधिका, मान धारण करके कहती है कि हाधिक हाधिक सुष्ट विडंबितास्मि, अरे बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, सुष्ट विडंबितास्मि, श्याम सुंदर ने, श्याम सुंदर आपने मुझे बहुत विडंबित किया है, विडंबना माने मेरी फजीहत की है। विडंबना शब्द निंदा के अर्थ में आता है, विडंबना शब्द कहीं मजाक या कोई तुलना के अर्थ में आता है, तो सुष्ट विडंबता से अर्थात आज मेरी कहीं तुमने विडंबना की है, अर्थात निंदनीय जनों के साथ में मुझको भी उनकी तुलना में रख दिया है। तो विडंबन शब्द का अर्थ होता है समान, आज चंचल स्त्रियों के साथ में या मेरी भी परहास करने वाली जो परहास करने वाले योग्य मुझे भी तुमने बना दिया, परहास करने वाली स्त्रियों के समान मुझे भी बना दिया है। तो ये श्रीप्रिया जी जब क्रोध कर रही हैं कि मेरी परहास मेरी फजीहत कर रहे हो, श्री कृष्ण कह रही है बोल प्रिय मुझे व्यर्थ में दोष मत दो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो श्री राधिका उपालन सहित उलाहन सहित कह रही है कि मुक्तांतर निमिषम मदीय पदवीं आलोक मानस्यते जाने केशर रेणु निपतित श्रोणी कृते लोचित। उल्टी उल्टी बात कही जा रही है, आप वक्रोक्ति में बात कही जा रही है, जैसे कोई हाँ हाँ तुम तो बड़े भोले हो ना, तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो, तो अर्थ होता है जैसे उल्टा। यदि शब्द में थोड़ा सा अंतर देकर के काकू से कोई बात कही जाती है तो उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा, हाँ हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो, इसका मतलब बहुत चालाक हो, तो अर्थ निकलेगा उल्टा। ऐसी शिवप्रिया जी काकू वक्रोक्ति में, इसको कहते हैं काकू वक्रोक्ति, मैंने स्वर को बदल करके यदि कोई बात कही जाए तो उसका उल्टा अर्थ निकलता है, उसी काक वक्रोक्ति का प्रयोग करती हुई श्री स्वामी जी कह रही हैं कि मुक्तांतर निमिषम मदीय पदवीं मालूक मानस्यते, आहा आपकी मेरे प्रति जो अनन्य प्रीति है उसका तो कहना ही क्या, ऊपर से कह रही है अनन्य प्रीति और भीतर से अर्थ निकलता है क्या, तुम बहुजन बल्लभ हो, बहु नायिका बल्लभ होकर के तुम विराजमान हो, तुम्हारी प्रीति एक जगह है ही नहीं। पंत कह रही हाँ हाँ तुम तो मेरा ध्यान करते हुए ऐसी समाधि में बैठे होगे कि मुक्तांतर निमिषम के पलक झपकना भी बंद कर दिया होगा, तुम्हारी पलक भी नहीं छपी होंगी और बस मेरा ध्यान में पलक बंद करके अर्ध मुद्रित अवस्था में मेरा अपनी बिना पलक पलक झपकाए हुए मेरे रूप का ही ध्यान करते होते होगे और मदीय पदवी आलोक मानस से थे, मेरा जो स्वरूप है उस मेरे स्वरूप का ही तुम तो रात भर ध्यान करते रहे हो, इसीलिए तो तुम्हारी ये आंखें लाल हो रही है। कह रहे कहना चाहती है कि हाँ हाँ चंद्रावली जी के साथ में मिलकर के तुमने रात्रि भर जागरण किया है इसलिए तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, पर ऊपर से दिखा रही है हाँ हम मेरा ध्यान करते करते जो तुम विराजमान हो इसलिए तुम्हारी आंखें लाल हो रही है। तो मुक्तांतर निमिषम, निमिष पात माने पलक का झपकना भी जहां छोड़ दिया गया है, मदीय पदवीम आलोक मानस्यते
केवल मेरे राह को जोहते हुए, मेरे मार्ग को जोहते हुए ही तुम सदा रहे होगे। जाने इसलिए तुम्हारी आंखें ऐसी पथराई हुई जमी जमी सी हो गई हैं, और आंखें जो लाल हो रही हैं उसका कारण है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वृंदावन में वो जो हवा चली है उस हवा से कोई पराग कर तुम्हारी आंख में गिर गया होगा। अब शाम सुंदर जो भी बहाने बना सकते हैं उसको एक पहले से ही अपनी तरफ से कह देते हाँ हाँ तुम यही तो कहोगे। तो जाने केशर रेणु भी जो पराग के रेणु हैं उनके कारण निपतता ही श्रोणी कृते लोचने, तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। पराग के गिरने से ये आंखें कोई रात जगा रस जगा करने से कोई आंखें लाल थोड़ी हुई है, ये तो केवल हवा चली और उससे कोई कंकर कोई पराग कर आंख में चला गया है इसलिए आंख की किरकिरी से ये आंखें लाल हो गई हैं। और तुम्हारे ओठों पर ये जो ओठ फटे हुए हैं ये कोई अधरक्षत दंतक्षत सोनी है, बल्कि ये तो ठंडी ठंडी जो वृंदावन की हवा चली उस हवा चलने से तुम्हारे ओठ फट गए हैं, ये दंतक्षत नहीं है नखक्षत नहीं है। शीतई कांगन वायु भी विरचितो बिंबाधरे च व्रण, बिंबा अधर के ऊपर जो व्रण माने घाव हो रहे हैं ये घाव शीतल हवा चलने के कारण तुम्हारे ओठ फट गए हैं इसलिए ये घाव हो गए हैं। ये कोई किसी नायिका के दंतावली के कारण बनाए गए ये कोई घाव थोड़ी है। तो शीतई कांगन वायु भी शीतल जो जंगल की हवा है उससे विरचित बिंबाधरे चब्रण तुम्हारे बिंबासनी के आधार के ऊपर ये व्रण दिख रहे हैं, इनको दंतक्षत है मैं बिल्कुल समझ ही नहीं रही हूं, मैं जान रही हूं कहां ये दंतक्षत नहीं है बल्कि ये तो हवा के कारण बने हुए ओठ जो है वो फट गए हैं इसलिए इनमें व्रण दिख रहा है। इसलिए हे श्याम सुंदर बिल्कुल संकोच करने की जरूरत नहीं है, खूब मौज करो ऐसे ही, ये तो राजकुमार जो है उनके ये तो लक्षण होते हैं, उनके तो यही एल फैल होते हैं, राजकुमार लोग तो ऐसे ही एल फैल करते हैं, ऐसे खूब एल फैल करो। ये क्रोध में मांगनी के वचन है शिवप्रिया के कि संकोचन त्याज कोई संकोच करने की जरूरत ही नहीं है, दैव हत्या न त्वं मया दूयते, हाय मेरे ही दुर्भाग्य ये कहकर के ये दैव हत्या में कितना मान प्रकट हो गया, जितना भी क्रोध था वो क्रोध दैव हत्या में हाय मेरे ही भाग्य ऐसे कि मुझे ये सब देखने को मिल रहा है, दैव हत होकर के आज मैं हूं तुम न माया दूष्यते, तुमको कोई भी दोष नहीं दूंगी, तुमको काय को दोष दूंगी, ये तो हमारा ही दुर्भाग्य। ऐसा कहकर के शिवप्रिया जैसे भी मां के वचन कहते कितने मीठे वचन, इसमें प्रिया का क्रोध कितना प्रकट हो रहा है, ऊपर से दीनता परंतु अर्थ एकदम उल्टा, दीनता की जगह महाक्रोध उसके अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल यही का ये जो भाव है श्री किशोरी जी का, इसको श्री कवि कर्णपुर ने चैतन्य चंद्रों के नाटक में प्रकट किया। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में एक लीला होती है पंचमी के दिन, रथ यात्रा जब निकलती है तो पंचमी के दिन जगन्नाथ जी का रथ तो खड़ा होता है गुंडीचा मंदिर में, इधर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से मोक्ष मंदिर से श्री लक्ष्मी जी की सवारी निकलती है, और लक्ष्मी जी की जब सवारी निकलती है तो सवारी में बड़े भारी छत्र चमर पताका झंडे सोटा बंगम इनको लेकर के और चमर उनके साथ में श्री लक्ष्मी जी पालकी में बैठ करके पधारती हैं, मतलब लक्ष्मी जी सवारी निकलती है, मान लो लक्ष्मी जी क्रोध करती हुई श्याम सुंदर के ऊपर मांग करती हुई जगन्नाथ जी के ऊपर कि तुम मुझे छोड़ करके और दोनों भाई ब्रिज में चले आए, जगन्नाथ जी का रथ जो है उसमें सब लोगों की अलग अलग भावना है, वहां के लोकल आदमी ये समझते हैं कि श्री जो उड़िया लोग उनकी भावना है
कि जगन्नाथ जी अपनी मौसी के यहां पर गए हैं, और जब जगन्नाथ जी लौट करके आते हैं तो वहां का जो स्थानीय लोग है, स्थानीय व्यक्ति, वो बड़ा आनंद मनाता है कि हमारे ठाकुर जी लौट आए। कुछ दिन के लिए गए थे मौसी के पास में, और वे वापस जगन्नाथपुरी में आ गए, इसलिए महा आनंद मनाते हैं कि अभी तक हमारा पूरा नगर सूना हो गया था, परंतु अब ठाकुर जी लौट आए हैं तो इसलिए आनंद। तो उनकी भावना हो, जितने भी गौड़िया वैष्णव हैं उन सबों की श्री महाप्रभु के अनुगत उनकी भावना यह है कि श्री ठाकुर जी, श्री जगन्नाथ जी, राधा रानी इनको पधरा करके वृंदावन ले गई है। श्री जगन्नाथ मंदिर वो है कुरुक्षेत्र, और वहां पर श्री कृष्ण का दर्शन करके और श्री कृष्ण को पधरा करके जगन्नाथ जी का मंदिर रथ पहुंचा है। इस समय गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा मंदिर वो ही है श्री वृंदावन। तो ठाकुर जी वृंदावन में पधारे, उपभाव। तो श्रीमद महाप्रभु उस समय जब जगन्नाथ जी पधारते हैं, जाते हैं, उस यात्रा में तो विशेष रूप से सम्मिलित होते हैं, और सारे गौड़ियाओं का बड़ा उल्लास रहता है कि ठाकुर जी वृंदावन में पधार रहे हैं। तो वहां पर उल्लास कि वृंदावन में पधारेंगे, वृंदावन विलास वापस प्रारंभ होगा। तो उसी समय ठाकुर जी जब गए पधारे हुए हैं गुंडीचा मंदिर में, तो ये दूसरी भावना हो गई। तीसरी, जो रामानंदी है वे मन में विचार करते हैं कि रामचंद्र जी जनकपुर पधारे। तो श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में अलग अलग भक्तों की अलग अलग भावना, सबके अलग। स्थानीय लोगों की भावना है कि मौसी के यहां पर गए, रामानंदियों की भावना है कि वे अपनी ससुराल गए हैं, जनकपुर गए हैं और वहां से लौट के आए हैं। जो ब्रज भक्तगण है उनकी भावना है कि वृंदावन गए हैं और फिर दौड़ करके आएंगे वृंदावन से, ऐसी भावना। वृंदावन ही गए हुए हैं और वहां पर समृद्धिमान संयोग सुख का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। अस्तु, तो पंचमी के दिन श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से लक्ष्मी जी का डोला निकलता है, लक्ष्मी जी की सवारी निकलती है, और वो सवारी में बड़ा ढोल मजीरा बजाते हुए चलते हैं। श्री महाप्रभु बड़ी हंसी उड़ाते हैं, बोले भैया ये मांग का कौन सा तरीका है, हमारे वृक्ष की रीत तो ऐसी है कि मांगनी जब मांग करती है तो वो श्रृंगार त्याग करती है, श्रृंगार धारण नहीं करती है, परंतु यहाँ पर लक्ष्मी जी इतना वैभव दिखाते हुए कर रही है, ऐसा मांग तो हमने अद्भुत देखा, ये तो मांग का कोई तरीका नहीं है। तो गोपी भाव में श्री महाप्रभु उस समय लक्ष्मी जी की भी हंसी उड़ाते हुए दिखते हैं, बोले ये कौन सा मांग है, ये कौन सा ऐसा मांग कैसा कि जिसमें सेना लेकर के दंड छोटा बल्लम आयुध इनको लेकर के छत्र चमन लेकर के और फिर ये प्री को मनाने जा रही है, ये को मनाने जा रही है कि जीतने जा रही है, ऐसा लगता है जैसे कि झगड़ा करने के लिए, जीतने के लिए जा रही है। तो महाप्रभु उसकी हंसी उड़ाते हैं उसी भाव को दर्शन। उसी प्रसंग में श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में बड़े सुंदर वचन कहे श्री किशोरी जी, कह रही है श्याम सुंदर उनके चरणों में गिर रहे हैं और शिव प्रिया जी मांगनी होकर के कह रही हैं कि किम पादांत, अभी का श्लोक है चैतन्य चंद्रोदय का नाटक का, कि किम पादांत नुपैषितास्मि कुपिता नैवापराधो भवान निर्हेतुर नहीं जायते कृतधियां क्रोध प्रसादोथवा योग्या एव हि भोग्यतां दधत्ते तत्किं मया योग्यया तेनाद्यावधि गोकुलेन्द्र तनयो स्वाच्छंद मेवास्तुते। माननी कह रही है कि किम पादांत नुपैषितास्मि कुपिता, बोले श्याम सुंदर मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हो, मैं कोई गुस्सा थोड़ी कर रही हूं, है गुस्सा और ऊपर से दिखा रही है क्या मैं कुपित हो रही हूं, तो किम पादांत नुपैषितास्मि मेरे चरणों में क्यों गिर रही हो, नुपैषितोस्मि कुपिता क्या मैं कुपित हूं क्या, नहीं बात अपराध दो भगवान, अरे आपने कोई अपराध थोड़ी किया है, निर्हेतु नहीं जाए ते कृतधियां, जो बुद्धिमान जन है वो न तो किसी के ऊपर बिना कारण कृपा करते हैं, न बिना कारण क्रोध करते हैं, मैं चाहे तो तुम्हारे ऊपर क्रोध करूंगी, निर्हेतु नहीं जाए ते कृतधियां
क्रोध प्रसादोथवा, न तो क्रोध बिना कारण के होता है न किसी के ऊपर कृपा बिना कारण के होती है। इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि ठीक है, श्याम सुंदर मान कह रही है नहीं नहीं कोई मुझ पर गलती बन गई हो उसको क्षमा करो, तो श्री किशोर जी मांगनी होकर के कह रही है कि योग्य आए वही भोग्यता ददते, जो योग्य होंगे वो ही तो आपकी प्रिया बनेंगे। तत्किम मया योग्य, हम तो अयोग्य हैं, हम पे तो प्रीति करना आता ही नहीं है, सब उल्टी उल्टी बात, हम पे तो प्रीति करना आता ही नहीं है, हम तो अयोग्य हैं। तत्किम मया योग्य, हम अयोग्य हैं, हमसे आपका क्या प्रयोजन। तेनाद्यावधि गोकुलेंद तन्यो, हे राजा के बेटा, हे राजकुमार, राजकुमारों के तो यही लक्षण होते हैं, ये तो उनके आभूषण हैं। ऐसे एल फेल करना, ऐसे खेल करना, ये तो राजकुमारों की शोभा होती है। तेनाद्यावधि गोकुलेंद तन्य, ये गोकुलेंद तन्य शब्द में कितना मान है कि राजा के बेटा हो, मैया बाप के प्रेम ने तुमको धूल करके रख दिया है, बिगाड़ कर, कभी डांटते तो है नहीं, नंद बाबा यशोदा जी लाली लाल करते हैं तो लाल में बिगाड़ करके रख दिया है। तो तीन आती आवत गोकुलेंद्र तने हो, हे राजकुमार स्वच्छंद में वास्तुते, ऐसे ही खूब स्वच्छंद करो, खूब स्वच्छंद ढोलो, खूब ऐसे ही एल करते रहो, ये क्रोध की वजह। ऐसे यहां पर कह रही है कि संकोच त्याज, संकोच करने की त्याग आवश्यकता है ही नहीं। दैव हत्या न तो मया दूष्यते, मेरे ही भाग्य ऐसे हैं, मेरे ही कर्म ऐसे हैं, आपको कोई दोष थोड़ी दे रही हूं। कितना क्रोध है भीतर श्री स्वामी में कि दैव हत्या मेरे कर्म ऐसे हैं, आपको मैं कोई दोष नहीं दे रही हूं। ऐसे जिससे मैं कहा श्री कृष्ण कह रहे कुल प्रिय ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, तब अधीनस्य में संकोचो भी अलंकारा ये वो, मैं आपके अधीन होकर के ही विराजमान हूं। हे प्रिय मेरा जो संकोच वह तो मेरे लिए अलंकार होगा, मैं जो आपके सामने संकुचित हो रहा हूं या तो मेरे लिए एक अलंकार की एक शोभा की बात होगी, क्योंकि बड़ों के आगे जो छोटे हैं उनको तो सना विनम्र होना ही चाहिए, और इस रस में आप ही बड़ी हैं, मैं आपके अधीन सेवक होकर के विराजमान हूं, अतः मेरा संकोच धारण करना सर्वथा सर्वथा उपयुक्त है। ऐसे माननीय प्रिया ने जब कहा श्री किशोरी जी ने कहा, श्री राधिका कह रही है कि स्वाधीन सर्वलोक भिक्षाकोसी, बोले रहने दो रहने दो, किसी से भी पूछ लो जगत में सब ये कहेंगे कि ईश्वर स्वतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है, जो स्वाधीन हो उसी का नाम ईश्वर है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, उसको ईश्वर कहा गया। ईश्वर की तीन तरह से परिभाषाएं दी गई, कहीं ये कहा गया कि सृष्टि पालन संहार इनका जो कारण होकर के विराजमान हो उसका नाम ईश्वर। ये मीमांसा में तर्क में ईश्वर की परिभाषा दी गई कि जो सृष्टि पालन संहार इनका निमित्त कारण होकर के विराजमान हो उसका नाम ईश्वर। सांख्य शास्त्र में ईश्वर को निमित्त कारण माना गया, प्रकृति को उपादान कारण माना गया, और ईश्वर को सृष्टि का सृष्टि पालन और संहार इनका कारण माना गया। इसके आगे जो योग शास्त्र है उसमें ईश्वर की परिभाषा अलग दी गई कि क्लेश कर्म विपाकाशय अपरांशतः पुरुष विशेषः ईश्वर, जो क्लेश कर्म और विपाक इन तीन वस्तुओं से प्रभावित न हो उस पुरुष का नाम ईश्वर है। क्लेश पांच, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जिसमें ये पांच द्वेष क्लेश नहीं हो, पांच गलतियां नहीं हो, वो अविद्या से युक्त नहीं होगा, मैं देव हूं मैं प्रकृति हूं ये अज्ञान का भी ईश्वर को नहीं होगा, अस्मिता अहंकार
कार्य कोटि का जो अहंकार है वो उसमें नहीं होगा, वो सना साक्षी होकर के रहेगा। अविद्या अस्मिता राग, राग का तात्पर्य है मुझे जो सुख मिल रहे हैं वो सुख की सुविधाएं निरंतर निरंतर मिलती रहे, कंटिन्यू करें। मुझे जो फैसिलिटी मिल रही है, सुविधा मिल रही है, वो सुविधा निरंतर निरंतर मिलती रहे, उसका नाम है राग। प्राप्त सुख को निरंतर निरंतर प्राप्त करने की चाह, उसको कहते हैं राग। द्वेष कहते हैं किसको, कि जो सुख मिल रहा है उस सुख में कहीं बाधा ना आ जाए, उसका नाम है द्वेष। और अभिनिवेश का तात्पर्य है जो सुख मिल रहा है उस सुख को निरंतर प्राप्त करते रहे और मिले, ये अभिलाषा। तो ईश्वर में पांचों क्लेश नहीं है, इन्हीं को योग शास्त्र में पांच क्लेश माना गया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, इनसे जो छुआ हुआ नहीं है। तो क्लेश, कर्म का तात्पर्य है कि जिसका फल पहले को प्राप्त न हो, प्राक अभाववत, जो नियत माने पहले से विद्यमान हो पर पहले से जिसका फल न मिले। कर्म किया है तो फल मिलेगा, कर्म नहीं किया है तो फल नहीं मिलेगा। विनाशी भोग करने के कारण कर्म का नाश किया जा सकता है, परंतु वह भोग का कारण होकर के विराजमान है। तो प्राग अभाववत अनादि विनाशी उन प्रयत्न निष्पाद्य जो हेतु है उसका नाम कर्म है। तो कर्म की परिभाषा श्री भगवत गीता की टीका में श्री बल्लभ विद्याभूषण कर्म की परिभाषा देते हैं। कर्म किसका नाम, उसकी परिभाषा दी कि प्राक अभाव बात, पहली बात कही कि पहले उसका फल नहीं मिलेगा, कर्म करेगा तब फल मिलेगा। फिर अनादि कर्म भी अनादि है, सदा से कर्म विद्यमान है। जीव चाहे तो किसी कर्म को अपनाए, अपनी स्वतंत्रता से नहीं चाहे तो वो कर्म को ना अपनाए। तो अनादि पंत कर्म विद्यमान है, तो प्राक अभाव बात। दूसरा गुण हुआ अनादि, तीसरा गुण हुआ विनाशी। ज्ञान के द्वारा या कर्म भोग के द्वारा उसका नाश किया जाएगा, नरक जाकर के या स्वर्ग में जाकर के उस कर्म के फल को भोग करके कर्म का फल समाप्त हो जाएगा। तो प्राग अभाववत अनादि विनाशी। फिर पुण्य प्रयत्न प्रतिपाद्य, कर्म का चौथा गुण हुआ कि मनुष्य के प्रयत्न के द्वारा वो प्रतिपाद्य होगा। कोई मनुष्य कर्म करेगा तो मनुष्य को फल मिलेगा, कर्म है एक चीज पर यो फल नहीं देगा, यदि कोई करेगा तो उसको फल मिलेगा। तो पुण प्रयत्न प्रतिपाद्य माने जीव के प्रयत्न के द्वारा उस कर्म को किया जाएगा। और वो कर्म है क्या, वो भोगादि कारणम। चार प्रकार के जो देह हैं उन देह को प्राप्त करने का, श्वेताज अंडज उद्भिज जरायु, चारों प्रकार के जो देह हैं उनका वो कारण होकर के विराजमान है। तो सुख दुख इनका कारण होकर के कर्म विराजमान है। तो ये कर्म की परिभाषा थी। ईश्वर कर्म से भी प्रभावित नहीं है। तो क्लेश कर्म, फिर कर्म के बाद में फिर एक चीज और आई विपाक। विपाक का तात्पर्य है पुण्य कर्म किए हैं तो सुख और पाप कर्म किए हैं तो दुख। इनसे भी अपरामर्श, जिसका स्पर्श नहीं है, ऐसा जो सर्वसमर्थ है उसका नाम ईश्वर हुआ। ये ईश्वर की दूसरी परिभाषा। पहली ईश्वर की परिभाषा थी सृष्टि पालन संहार इनका जो निमित्त कारण होकर के विराजमान। कर्म की ईश्वर की दूसरी परिभाषा हुई क्लेश कर्म विपाक आशय, इनसे जो छुआ हुआ नहीं हो, इनसे सदा अलग रहे, उसका नाम ईश्वर। कर्म की ये परिभाषा भी पूर्ण नहीं थी। कर्म की फिर तीसरी परिभाषा वैष्णवों ने दी, और वैष्णवों की जो परिभाषा है ईश्वर की वो है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसम, ये पूर्ण परिभाषा है। इसमें सब कुछ आ गया कि जो नहीं होने वाला है उसको कर दे, जो होने वाला है उसको न करे, जो हो रहा है उससे उल्टा करके भी जो किसी भी कार्य को कैसे भी करने में समर्थ है उसका नाम हुआ ईश्वर।
तो ये ईश्वर की, ईश्वर माने जो सब के ऊपर जीव और माया दोनों के ऊपर शासन करते हुए विराजमान हो उसका नाम ईश्वर। ये ईश्वर की पूर्ण परिभाषा। तो ईश्वर यहां पर श्री किशोरी जी कह रही है वो श्याम सुंदर, श्री गार्गी जी, श्री पौर्णमासी जी, इन सबने, गर्गाचार्य आदि ने सबने ही ये कहा है कि स्वाधीन सर्वलोक भिक्षाकोसी, तुम ईश्वर हो स्वाधीन हो। ठीक है ये नंद के लाला राजकुमार, अत्यंत राजकुमार हो तुम तो, बस ईश्वर हो तुम, सब कर सकते हो, ईश्वर के लिए कोई दोष थोड़ी है। ईश्वरानं वच सत्यं तथैव चेत्तं कुचित्, ये तो ईश्वर की ईश्वरता है कि वो जो करे वो सब उसको स्वीकार करना पड़ेगा, कोई भी उसके प्रति उंगली नहीं उठा सकता है। तो तुम तो ईश्वर होकर के विख्यात हो, कथम ममाधीनो भविष्यति, मेरे अधीन कैसे हो जाओगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रिय नहीं नहीं ऐसा नहीं है, केवल मैं ही आपके अधीन नहीं हूं, बल्कि मेरे दश अवतार भी आपके अधीन है। तवाधीन नाहम एव केवला, मैं अकेला ही आपके अधीन नहीं हूं, बल्कि मेरे दश अवतार भी आपके अधीन है। मम दशावताराश्च तथा ही, बोल कैसे, बोल सुन लो, अरे चतुर शिरोमणि विदग्ध शिरोमणि है, विदग्ध मानव है ना, इसलिए अपनी बात को घटा रहे हैं कि मेरे दशावतार भी आपके अधीन है। कैसे, बोले चंचन मीन मीन बिलोचनासी, सुना था मैंने पहले कभी मत्स्य अवतार धारण किया, और हे प्रिय वो मत्स्य अवतार की जो सुंदरता है सजलता है वो आपके नेत्रों में विराजमान है, क्योंकि आप मीनाक्षी रूप में प्रसिद्ध हैं, मछली के समान नेत्र वाली होकर के आप विराजमान हैं। तो आकार में, सजलता में और चंचलता में, ये तीन गुण मछली के, मछली नेत्र भी मछली के आकार के होते हैं, फिर नेत्र भी सजल होते हैं, जल से रूखे नहीं होते हैं, जल से युक्त होते हैं, और नेत्र भी चंचल होते हैं। तो चंचलता, सजलता और सुंदरता, इन तीनों में मेरा मछली स्वरूप मैंने धारण किया था, मीन अवतार धारण किया था, वो आपके नेत्रों के अधीन है। मेरी मछली मत्स्य अवतार का जो सुंदरता है वो आपके नेत्रों में ही विराजमान है। सो चंचल मन चंचल मीन बिलोचनासी, मीन के समान नेत्र वाली हो, चलो मछली हो गई। अब दूसरा मैंने एक अवतार धारण किया कमठ कच्छप अवतार, सो कमठोत्कृष्ट स्तनी, हे प्रिय आप